जीवे बाध्य होकर से मैंने आज मेली कले विराट ठाकरे गोटे घर करेंगे नवीन मोहन निवास तेणु समय को अपेक्षा कर ए आदिवासी आदिवासी भाई कथा बुझ ताक पुराणा मेलन पड़िया गोटे किए लीज नहीं पटा नहीं जाए जा दखल करने को से पूरा मंदिर भांगी स्कूल भांगी रोड टा मुझे या कर कंक्रीट ताड़ी सेमती गच कटा ही पड़े ना यही मुझे आठ उत्त्यक्त हो लोक रे कम डीसीपी को फोन कले डीसीपी कहते ओल्ट दोष दौर मत आपचे मुझे डीसीपी अच कल कड़े जीव आए मुझे षाठी वर्ष प्रतिनिधि ना तुमको आक्शन मुझे पढ़े दौना झाड़ पड़ा मुझे रेडी थाए मोर गोटे आचार आटाची अच्छी लुगी गामसा पानिया पानिया तेल फेल थाए के जीवि तो से आठ आठ झील भितर किसी असुविधा ना सात थर जेल जा लोकों पर चोरी कर नुह रेप कर नुह चंदा नहीं कि नुह का मागिक नुह क्रिमिनाल जीव कर लोकों पर जा दरदाम जा लोकर असुविधा तेणु आज घटना ये ना ना डीसी बढ़िया लोक अनेस्ट लोक भारी टाणुआ लोक भारी भल लोक कितु सी आज हटात मत कहले आपड़ कौन से पचास गाँव आदिवासी बही सदर पचास षाठी वर्ष होगा मतलब भोट दौरान सी डाकि मुझे गोटे आश्चर्य कथा तुमको डी डाकबे कमिशन आसवन हाँ तुम जीवन तुम चीफ मिनिस्टर डाक जीवन को मंत्री डाक डीसीपी तुम जीवन ओल्ट दोष दौ मो पर आमे को आमे तो अन्याय कथा कहून आम कौ आस कागज पत्र आड कलेक्टर आसतु को एस टू आसत तहसीलदार आस आर आई आसत भेरीफाई जदि से मेलन से गाँव बाला को छाड़ दि जदि अंटी दि जदि मेलन नुह तक छाड़ दि आम तो फेयर चाहू उचित न्याय चाहू डिसिप्लिन चाहू तुम्हें गुड़ाए बाड़िया बाड़ी कर अड़तीसटा लोक जेल पुरे ओल्ट कौच तुम्हें घुसकोच बढ़िया डीसीपी अनेस्ट लोक भारी अनेस्ट भारी टाणुआ लोक करती लोक मो चोरी कर रेप कर डरा कि डीसीपी आए मोदी की बाहर खातिर ना कौन मुख्यमंत्री आखि बातिर ना ये तो मुंड बाला मो मोदी आए डीसीपी ए डीजी षाठी अशी एकाशी वर्ष होगा सी पा मो नाती बयस डीसीपी खातिर अच्छी आए क्या खातिर ना मो अन्याय कैनि तेणु क्या खातिर ना जदि अन्याय करी डीसीपी खातिर करी कमिशन को खातिर करी सब इन्सपेक्टर को खातिर करी तुम सांबाद को खातिर करी आए अन्याय ना फेयर क्लीन एकाशी वर्ष अगस्त दस रे प्रवेश कर खातिर अच्छी परवा ना नई बाली सब आकु बढ़िया आकु होता मुझे जो चेयरमैन थी 67 जटाणी ब्लक आम आलु करूँ चेयरमैन हिसाब से बड़ बड़ साइज आलु नयनताल आलु जमी वेस्ट बेंगल आसे से भाई आलु होता है आलु चाष बिलकुल ओडिशा रे लोप पाई किसी ना ओडिशा संपूर्ण निर्भर करेस्ट बेंगल आलु आलु गोटे एभरिया खाद्य समस्त रिक्वायर गोटे गरीब खटिया मूलिया आलु गोटे पोड़ खाईदब गोटे मूलिया आलु सीझे खाईद भात गोटे खाईदब आलु भाजी की पखाड़ गोटे खाईद आलु सीझे खाईद आलु मंसरे पड़ो आलु डालमार पड़ो आलु घाटे पड़ो आलुटा एभरिया पर निपट गरीब टू कोटिपति पर्यंत बड़ धनी पर्यंत चीफ सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर गवर्न प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी आलु दरकार दुखर विषय आलु पाई आम ओडिशा रे एते सरकार गले कहीं गोटे चेष्टा कले मझे जानक पट्टनायक करते नदी पेठार पहाड़ जमी में मुझ चेयरमैन छाला बेले जटाणी ब्लक 67 आलु चाष कर जटाणी ब्लक सुना बर्जन कर नवीन पट्टनायक धन्यवाद
କାଲି ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସହିତ ଫୋନ୍ରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ କିଛି ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଚାଲି କାଲି କିଛି ଆଳୁ ଆସିଛି, ଆଜି ଆଳୁ ଆସୁଛି। ସରକାର ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ କ'ଣ ଅଛି କି? ଭେଣ୍ଡି ତମେ ତ କିଣିବ 100 ଟଙ୍କାରେ, ତମେ ଗାଜର କିଣିବା ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ ଆସିଲେ, କୋବି କିଣିବ ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ ଆସିଲେ, ଟମାଟୋ କିଣିବ ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ ଆସିଲେ, ଇଏ ଅଣ୍ଡା ମାଛ ଫୁଲ କଦଳୀ ଆସିବ ଆନ୍ଧ୍ରାରୁ, ବିହାରରୁ ଆସିବ ଲଙ୍କା, ଡାଲି ଆସିବ ହରିୟାଣା ପଞ୍ଜାବ ୟୁପି, ଗହମ ଆସିବ ୟୁପି ହରିୟାଣା ପଞ୍ଜାବ। କ'ଣ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ? ଧାନ ଗଣ୍ଡାକ ପାଇଁ ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଇପାରିଛେ। କେବଳ ଧାନ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ବାହାର ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛେ। କାଲି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଫୋନ୍ କଲା ପରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କିଛି ଆଳୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଜି ଆଳୁ ଟ୍ରକ୍ ଆସୁଛି, ଆସିଗଲା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଚାହିଦା ମେକଅପ୍ ହେଇଛି। କାଲି ମନୋହର ସାମଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ 24 ବର୍ଷରେ କିଛି କରିପାରିନି, ଆମେ 5 ବର୍ଷ କରି ଦେଖିବୁ, ସେ ସବୁ ନେଉଟେଇ ପକେଇବେ। ତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି ନେଉଟେଇ ପକେଇବେ, ସାମଲ କହୁଛି ନେଉଟେଇ ପକେଇବେ, ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କହୁଛି ନେଉଟେଇ ପକେଇବେ, ସବୁ ନେଉଟେଇ ଦେବେ। 60 ଟଙ୍କା ଯେ କ'ଣ ଆମ୍ଲେଟ୍ କି ଓଲଟେଇ ଦେବ ତମେ ନା ଚକୁଳି ମ, ଏଗୁଡ଼ା ପ୍ରହସନ ଡ୍ରାମା। ଇଆଡ଼େ ପନିପରିବା, ଇଆଡ଼େ ଡାଲି ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲା, ହାତ ଆସୁ ତେଲ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲା, ଘିଅ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲା, ଚାଉଳ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲା, ମଇଦା ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲା, ଅଟା ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲା, ସୁଜି ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲା, ଇଆଡ଼େ ପନିପରିବା ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲା, ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ କେମିତି? ଆମେ ଯୋଜନାକୁ ନୂଆ ନାଁ ଦେଇକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବୁ, ପୁରୁଣା ଯୋଜନାକୁ ଖାଲି ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କାଟି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚଳିବ, କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, ଯୋଜନା ରହିଲା। ମୋ ସ୍କୁଲ ରହିଲା, ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ହେଲା, କଲେଜ ମୋ କଲେଜ ଆମ କଲେଜ ହେଲା, ଖାଲି ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଇଏ କିଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯାହା କରିଛନ୍ତି, 7 ବର୍ଷ 17 ବର୍ଷ ଲାଗିବ ମିନିମମ୍ ତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ସରକାର, ମିନିମମ୍ 17 ଇୟର୍ସ ଯାହା ପାଣ୍ଡିଆନ କରିଯାଇଛି ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ, ରାସ୍ତାଘାଟ, ବ୍ରିଜ, ଡାକ୍ତରଖାନା, ସ୍କୁଲ ଘର, କଲେଜ ଘର, ଏଇ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦେଖୁନ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, କଟକ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ, ଡ୍ରିଙ୍କିଙ୍ଗ ୱାଟର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିର, ମସଜିଦ, ଚର୍ଚ୍ଚ ଯେଉଁ ଡେଭଲପ୍ କରିଛି ପାଣ୍ଡିଆନ ଆଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, 17 ବର୍ଷ ଲାଗିବ ଆଗକୁ କରିବା ପାଇଁ, 3ଟା ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲାଗିଯିବ।